सही गाइस, आप लोगों को आज मैं यहाँ पे देखिए एयरटेल के सिम जो है चला कर दिखाऊंगा। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर लगाया था, तो जियो के फ़ोन में मैं आपको आज एयरटेल की सिम जो है लगा कर दिखाऊंगा, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि कितने टाइम तक लो ये चलती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्पीक मत करिएगा। तो बैटरी को हटा लेते हैं और इस सिम को जो है ऐड कर लेते हैं। तो इस सिम को जो है यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको बैटरी को जो है ओपन लगा देना। लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल सही सही मैं आपको यहाँ पे पूरा बताने वाला हूँ। एयरटेल की सिम चलेगी, आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा बताऊँगा, कॉल करके भी आपको दिखाऊँगा, और वीडियो को बिल्कुल भी मैं यहाँ पर काटूँगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पर पूरा सबूत के साथ दिखाने वाला हूँ कि आप एयरटेल की सिम चला सकते हो और कितने टाइम तक चलाओगे, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखिए फ़ोन जो है ओपन हो रहा है, आपको फ़ोन आपको पता ही होगा कि आपको फ़ोन होने में टाइम लगता है, और देख सकते हैं जो मेरे लैपटॉप में वो है सॉफ्टवेयर, तो मैंने उसी की मदद से अपने जियो फ़ोन में लगाकर सॉफ्टवेयर आपको सिम लगाकर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो उसी की मदद से दिखा रहा हूँ। तो मैंने सिम डाल लिया है और यहाँ पर जो मेरा फ़ोन जो है ओपन होने वाला, तो आप भी अपना फ़ोन जो है लगा सकते हैं, बट उससे कोई ज़्यादा बड़ी वाली बात नहीं है। आप तो यहाँ पे आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा फ़ोन है ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यहाँ पे एयरटेल के जो है नेटवर्क शो होने लगे हैं, और एयरटेल के नेटवर्क शो होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, और यहाँ पे देखिए मैं अपना जो है नंबर टाइप कर लेता हूँ। नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ 7017956576। यहाँ पर जो है मैं इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको नंबर जो है यहाँ पर लगा लिया। लगाने के बाद मैं आपको यहाँ पर देखिए आवाज़ जो है इसको सुनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे फ़ोन पर जो है फ़ोन आ रहा था, तो इसी की वजह से मैं यहाँ पर देखिए पूरा जो है मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं आगे आप लोगों को बता देता हूँ। तो दोस्तों आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद क्या होगा, देखिए 1 घंटे बाद आप मोबाइल चलाएंगे बट आपकी सिम चलेगी, एयरटेल की भी चलेगी आपकी और आइडिया की भी सिम चल जाएगी। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद जो आपको नेटवर्क मिलते हैं कुछ इस तरीके के मिलते हैं, मैं यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके के जो है वहाँ पे मोबाइल में आपको नेटवर्क देखने के लिए मिलते हैं। नेटवर्क ऐसे कुछ इस तरीके के होते हैं 1-2 घंटे बाद, उसके बाद आपकी जो है आइडिया की सिम और एयरटेल की सिम नहीं लगती है। तो दोस्तों शायद मैं आपको ये प्रोसेस आगे वाली वीडियो में करके दिखाऊंगा कि आपको फुल टाइम में कैसे करना है। तो आपको क्या करना है यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो यार मैं बस इस वीडियो का मकसद यही था बनाने का, अपना फ़ोन जो है आप में जियो फ़ोन में अपने एयरटेल की सिम चला सकते हैं और आइडिया की सिर्फ 1-2 घंटे के लिए चला सकते हैं, उसके बाद आपकी सिम नहीं चलने वाली है, उसके बाद आपकी सिम जो है जियो की चलेगी और कोई सी भी सिम आपको चलने वाली नहीं है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, यहाँ पर होम स्क्रीन पर 1-2 घंटे बाद कुछ ऐसे नेटवर्क आते हैं, शुरू में अच्छे नेटवर्क आते हैं, मैंने जैसे कि आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया, उसके बाद नहीं आते हैं। तो दोस्तों यार आप पूरा प्रोसेस जानेंगे अच्छे से तो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं अपने जियो के फ़ोन में लाइफ टाइम एयरटेल की सिम चलाना और आइडिया की सिम में चलाना, तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतनी ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले फीचर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।